बहुत दिनों से पनीर की कोई रेसिपी नहीं बनाई है, तो चलिए आज बनाते हैं पनीर की एक खासा डिश, कलेजी पनीर। कलेजी पनीर को थोड़ा सा नॉनवेज से कंपेयर करके बनाया जाता है। ये डिश काफ़ी स्पाइसी और इंटरेस्टिंग होती है, आप एक बार इसे ज़रूर बनाएं। एक बार आप इसे खाएंगे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। तो चलिए फिर देर किस बात की, इसे हम बनाना शुरू करते हैं। कलेजी पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम पनीर ली हुई है, जिसे मैंने ट्रायंगल शेप में कट कर लिया है। अब इसमें हम 2 चम्मच सोया सॉस और 1 चम्मच नींबू का रस डाल देंगे। अब हमने बहुत ही सावधानी से पनीर को इसमें मिक्स करना है। ये देखिए पनीर अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हमने 1/4 चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देना है। इन दोनों मसालों को भी पनीर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारे मसालों को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमने फ्राई करना है। पनीर को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है, जिसमें 1 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। तेल जैसे ही गर्म हो जाता है, हम इसमें पनीर फ्राई होने को लगा देंगे। सारी पनीर हमने ऐसे ही फ्राई होने को लगा देना है। पनीर की एक साइड 15 से 20 सेकंड के लिए हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए 15 से 20 सेकंड हो गए हैं। अब हमने पनीर को पलट देना है। हमने ऐसे ही पनीर को दोनों तरफ लाल और सुनहरा होने तक फ्राई करना है। ये देखिए सारी पनीर फ्राई हो चुकी है। गैस की फ्लेम अब हमने बंद कर देनी है और इसे किसी बर्तन में निकाल लेना है। पनीर फ्राई करने के बाद चलिए इसकी हम ग्रेवी बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसकी ग्रेवी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया हुआ है, जिसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है और गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा, साथ ही साथ इसमें जाएगा 1 बड़ी इलायची, 1 छोटी इलायची, कुछ टुकड़े दालचीनी के और थोड़ी सी जावित्री। ये सारे मसाले डालने के बाद इसे एक बारी हम चला लेंगे और उसके बाद इसमें जाएगा 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक, 10 से 12 कलियां लहसुन की, 2 मीडियम साइज का कटा हुआ प्याज और 2 छोटे टुकड़ों में कटी हुई हरी मिर्च। अब हमने इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें जाएगा 10 से 12 काजू, 8 से 10 साबुत काली मिर्च और 1 चम्मच कसूरी मेथी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम सुनहरा होने तक फ्राई कर लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें हल्की सुनहरी हो गई हैं। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे ठंडा होने देना है। ये देखिए ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब इसे हम मिक्सर ग्राइंडर में डाल देंगे। इसका हमने एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए इसे हम पीस लेते हैं। पीसते समय अगर पानी की ज़रूरत लगती है तो हम पानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया और स्मूथ पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अभी हम इसे साइड में रख देंगे। इधर मैंने एक पैन लिया हुआ है, जिसमें 2 बड़े चम्मच तेल डाला हुआ है। गैस की फ्लेम हमने यहाँ पर मीडियम पर रखनी है। जैसे ही तेल गर्म हो जाता है, हम इसमें डालेंगे 1/4 चम्मच जीरा और 2 तेज़पत्ता। इसे हम एक बारी चला लेते हैं और जैसे ही ये हल्का सुनहरा हो जाएगा, हम इसमें डाल देंगे 2 मीडियम साइज का कटा हुआ टमाटर। इसे एक बारी चला लेते हैं और उसके बाद इसमें डालेंगे 2 चम्मच टोमेटो प्यूरी और स्वादानुसार नमक। अब इन चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसके साथ ही साथ इसमें जाएंगे कुछ मसाले। मसालों में इसमें सबसे पहले जाएगा 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चम्मच चिकन मसाला पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच चाट मसाला पाउडर। इन सारे मसालों को डालने के बाद इसे हमने मिक्स कर लेना है। मसाले डालते समय हमने गैस की फ्लेम को धीमा रखना है और सारे मसाले डाल लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को मीडियम पर कर देंगे। अब इसमें हम 1/2 कप पानी डाल देंगे, नहीं तो ये जो सारे मसाले हैं जल जाएंगे। साथ ही साथ इसमें अब हम 2 चम्मच गरी का बुरादा डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने यहाँ पर टमाटर को एकदम से मिसी बना लेना है। ये देखिए टमाटर एकदम से मैशी हो गया है। अब इसमें हम 1 चम्मच सोया सॉस डाल देंगे।
इसे इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया है उसे इसमें डालेंगे। अब इन मसालों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है और साथ ही साथ इसमें हम आधा कप पानी डाल देंगे जिससे ये मसाले नीचे जले नहीं। अब इन मसालों को हमने 2 मिनट चलाते हुए पका लेना है। ये देखिए ये मसाले बहुत ही अच्छे से पक गए हैं, साथ में ये कढ़ाई भी छोड़ने लगे हैं। कढ़ाई छोड़ने का मतलब ये है कि हमारा मसाला बहुत ही अच्छे से पक गया है। आधा मिनट हमने इसे चलाते हुए और ऐसे पका लेना है। ये देखिए कितना बढ़िया मसाला बनकर तैयार हुआ है। हमने बिल्कुल ऐसे ही सारा मसाला पका लेना है। यही कलेजी पनीर की ग्रेवी का परफेक्ट मसाला है। हमने जो ग्राइंडर में मसाला तैयार किया था उसमें हमने 1.5 कप पानी डाला है, वही पानी यहाँ पर डाल रहे हैं जिससे ग्राइंडर में जो भी मसाला लगा हुआ है वो इसमें आ जाए। साथ ही साथ अब इसमें हम 1 कप पानी और डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हमने जो पनीर फ्राई की थी वो इसमें डाल देंगे। सारी पनीर डालने के बाद पनीर को मसालों में अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमने इसे ढककर 5 मिनट के लिए धीमी आंच पर पका लेना है। ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी अच्छे से पक गई है। अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर देना है। कलेजी पनीर बनकर तैयार है। अब इसमें हम हरी धनिया डालकर इसे सर्व कर लेंगे। कलेजी पनीर काफ़ी मसालेदार और स्पाइसी डिश होती है। आप इसे रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो चलिए अब हमें इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टाटा।